का दूसरा मैच शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर में। टॉस जीता बांग्लादेशी कप्तान ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दो स्लिप, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, तीन खिलाड़ी लेग साइड पे और ये दौड़ लगाई मुर्तजा ने। खाता खोलते हुए यहां भारतीय टीम का खाता खुला इस एक रन के साथ और ये अतिरिक्त रन है। जोरदार अपील और ये लगा पहला झटका, बिल्कुल गेंद स्टंप्स पे टप्पा खाई थी और मिडिल लेग स्टंप की तरफ जा रही थी। कोई संकोच नहीं यहां अंपायर के मन पे। बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ, दूसरा ही बॉल अक्रॉस खेलने की कोशिश और ये प्लम विकेट के सामने अजिंक्य रहाणे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मुर्तजा के पास है और सही निर्णय अंपायर का। अच्छी शुरुआत बांग्लादेशी टीम की तरफ से। बाहरी किनारा लेकिन ढीले हाथ से खेला, यहां चतुराई दिखाई पुजारा ने। अगर इसको अगर जोर से खेल देते तो पहुंच जाती स्लिप फील्डर के पास। बहुत ही अच्छी बॉलिंग और थोड़ा सा कैरी नहीं किया कि बीच में भी छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, वो काली मिट्टी वाली बॉल कैरी करते नहीं है। मेड एन ओवर, बढ़िया शुरुआत, 8 पे एक। बाउंड्री की तरफ जाती हुई और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी यहां रॉबिन उथप्पा को, बस राह दिखा दी उसे। ये गेंद कहां लगी, पहले ही नीचे बैठ गए थे, ऐसा लगा जैसे बल्ले के पिछले भाग में जो बल्ला है वो ऊपर एक पेरिस्क्रोप की तरह खड़ा था और इसी वजह से बल्ले के पिछले भाग में जाके गेंद लगी। जब आप झुकते हैं तो बल्ले को भी नीचे लेके जाइए, ये अच्छे संकेत नहीं है। धीमी धीमी बारिश शुरू हो चुकी है, कुछ और ही मांगा होता आज वो भी मिल जाता। आ गए तस्किन अहमद, काफी युवा खिलाड़ी है, पहली मैच, जबरदस्त गेंद, पहली अच्छी एक्शन लग रही है यहां पर और पहला ही बाउंसर। मुझे अच्छा लगता है जब फास्ट बॉलर आके पहली गेंद बाउंसर मारते हैं और एटीट्यूड से पता चलता है इस पे कुछ दम है। लीजिए, बारिश की बात कर रहे थे और अब बारिश ने गति पकड़ ली है और यहां अंपायर्स ने कह दिया ग्राउंड स्टाफ को कि आप जल्दी से कवर्स ले आए, हम नहीं चाहते कि पिच खराब हो जाए, भीग जाए। यहां दोनों ही टीमें चाहेंगी कि यह मैच पूरा खेला जाए। सहारा कप 2014 का यह दूसरा एक दिवसीय कुछ ही पलों में शुरुआत होगी। खेल में कुछ परिवर्तन, यहां पर 41 ओवर का गेम होगा। जो पहला पावर प्ले है जो 10 ओवर्स का होता है उसकी जगह अब सिर्फ पहले पावर प्ले में 8 ओवर होंगे, जहां पर फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होंगी। सिर्फ एक गेंदबाज 9 ओवर कर पाएगा, 4 गेंदबाज कर पाएंगे 8 ओवर और दूसरा जो पावर प्ले होगा जो बैटिंग पावर प्ले है वो 5 के बजाय सिर्फ 4 ओवर्स का होगा। 41 ओवर्स का ये मैच है और पुजारा के लिए भी बेहतर मौका है। ओवर की आखिरी गेंद और ये सिंगल चुराया चेतेश्वर पुजारा ने सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए 18 एक विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद। फुल गेंद ड्राइव किया है फील्डर्स के बीच में से और 4 रन मिलेंगे यहां रॉबिन उथप्पा को। पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद हवा में और सीधा फील्डर्स के हाथ में। तस्कीन अहमद की पहली अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय विकेट और रॉबिन उथप्पा 14 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता लेते हुए। बहुत ही अच्छा सीम, थोड़ा सा रिस्ट वर्क ज्यादा यूज किया, शायद गेंद रॉबिन की उम्मीदों से थोड़ी तेज थी और अच्छा कैच, पहली विकेट मुबारक। 14 रनों पर रॉबिन उथप्पा, जियाउर रहमान ने कैच लिया तस्कीन अहमद की गेंद पर, भारत 26 2 विकेट के नुकसान पर। और शानदार बॉल, क्या एज लगा है वहां पर, अंपायर का इशारा नहीं, थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हुए कीपर मुशफिकुर रहीम, थोड़े ज्यादा एक्साइटेड। विकेट के सामने अपील और अंपायर का इशारा आउट। अंबती रायडू थोड़े निराश, देखना पड़ेगा अगर बल्ले से संपर्क पहले हुआ गेंद का, लेकिन बांग्लादेश खुश,
28 रनों पर भारत को लगा तीसरा झटका। बहुत करीबी मामला हो सकता था, लगा है लेकिन बाद में लगा होगा। अंपायर का इशारा, पवेलियन में जाए और अगर कोई डाउट हो तो अखबार पढ़े, सुबह आपको पता चल जाएगा। सुरेश रैना बेहतरीन ड्राइव, बैकफुट पर खड़े होकर सिर्फ दिशा दिखाई गेंद को और कमाल की टाइमिंग। ज्यादा जोर से नहीं मारा, सबसे बड़ी तारीफ है, सिर्फ दिशा दिखाई, बॉल को गैप ढूंढा और चार रन के लिए। शॉट, छोटी गेंद, जल्दी लेंथ को भापा और चार रन के लिए खेल दिया सुरेश रैना ने। क्रिटिसाइज किया था कि शॉर्ट गेंद को बेहतर नहीं खेलते, लेकिन पिछले आईपीएल में और अभी बेहतरीन मेहनत करके आए हैं, इससे लगता है कि जोर से मारने की कोशिश नहीं कर रहे, पेस का फायदा उठाया। बहुत ही खूबसूरत, यहां पर ऊपरी किनारा, नियंत्रण नहीं था और चार रन मिले। सही जगह पर नहीं थे, गेंद उतना ज्यादा बाउंस नहीं हुआ जितना उनको उम्मीद थी और ऊपरी किनारे के साथ चौका अपने लिए जरूर बटोर लिया। मुशफिकर रहीम थोड़े से निराश और एक जोरदार अपील और ये चौथा झटका। चितेश्वर पुजारा वापस पवेलियन की ओर और तस्कीन अहमद ने यह दिलाया तीसरा और बहुत ही बड़ा झटका, पूरी तरह से भारत को बैकफुट में धकेल दिया। पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और यहां पीछे वाले पैर पे गेंद लगी, आगे वाले पैर पे नहीं, तो इंपैक्ट सामने, तीन विकेटों के बिल्कुल सामने, चकमा दिया चितेश्वर पुजारा को। तस्कीन अहमद के लिए एक और विकेट, 55 पे 4, चितेश्वर पुजारा 11 पे आउट। ओहो, कमाल की गेंद थी, पढ़कर सीम हुई, अंदर आई और पूरी तरह हैरान करके रख दिया रिद्धिमान साह को। पढ़ने के बाद गेंद इतना बढ़िया अंदर की तरफ आया कि रिद्धिमान साह के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं। और बहुत ही बड़ी अपील और ये पांचवा झटका। कठिन परिस्थितियां भारत के लिए, बिल्कुल संकट की घड़ी इस वक्त। बहुत बढ़िया ढंग से अपना खाता खोला यहां अक्षर पटेल ने। संकट की घड़ी है और भारत को एक संकट मोचन की आवश्यकता है। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत अच्छा, शायद कह सकते हैं कि यंगस्टर के लिए इससे बड़ी शॉट क्या हो सकती है। काबिलियत नजर आती है लेकिन परफॉर्मेंस की जरूरत है, प्रतिभा को प्रदर्शन में परिवर्तित करना होगा यहां अक्षर पटेल को। और बहुत बढ़िया मौका मिला है, एक सुनहरा मौका और ये आउट। क्लीन बोल्ड, ओवर पिच बॉल को फ्लिक करने गए और रास्ता मिला और अक्षर पटेल वापस पवेलियन की तरफ 75 पर 7। अनुभव की कमी यहां साफ छलकती हुई। अब दो बाउंड्रियां इस ओवर में आ चुकी हैं, उसके बाद इस तरह का स्ट्रोक खेलने की आवश्यकता थी नहीं। आलमीन, इन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, पहली गेंद दूर ले गए थे, ये टप्पा खाने के बाद वापस बल्लेबाज की तरफ आई और वो गैप खुला छूट गया बैट और पैड के बीच। 8 रनों का इनका योगदान 75 पे 7। बाहरी किनारा और एक और विकेट, यहां थोड़ा शरीर से दूर खेल गए थे वहां स्टुअर्ट बिनी और इसी वजह से उस शॉट पे कोई नियंत्रण नहीं था और अब निराश है, लेकिन अब पछताए होत के आप जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल सही, बाहर का बॉल था, बहुत दूर था, लेकिन ना ये कट था, ये एक स्लाइड किया था। कट करना है तो ऊपर से बल्ला पूरा रोल होना चाहिए और बड़ी कामयाबी यंगस्टर के लिए, तस्कीन के लिए कह सकते हैं एक और बड़ी कामयाबी। इसी के साथ 81 पर 8। इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही, अच्छी अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं मुश्किल रहे। फुल गेंद और ये आउट, कुमार धर्मसेना ने इसे आउट करार दिया। बल्लेबाज शायद निराश, क्योंकि शायद एक समय के लिए लगा कि अंदरूनी किनारा हो सकता है। और ये डेब्यू पे 5वां विकेट और जबरदस्त गेंदबाजी,
और एक अच्छा लगता है यंग खिलाड़ी आके पांच विकेट लेता है। और क्या मौका है ये तस्कीन अहमद के लिए, डेब्यू पर पांच विकेट, अमित मिश्रा बने उनके पांचवें शिकार, 86 पर 9 भारत। और इस बार उठा के दे बड़ा है, आखिरी गेंद थी और चौके के साथ समाप्त, सफल ओवर थी, 6 रन आए 92 पर 9। बहुत ही खतरनाक बाउंसर, बाहरी किनारा लगा था, 4 रन मिले। चौका दिया और बाहरी किनारा लगा, लेकिन 4 आए। ओहो, कमाल का शॉट, अच्छा संपर्क हुआ और 6 रन, मैच का पहला छक्का, ओवर समाप्त 104 पर 9। और ये कैच और ये आउट, उमेश यादव फर्स्ट स्लिप पे आउट हुए और इंडियन टीम की ये बारी पूरी, 105 ऑल आउट। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे उमेश यादव, अंदरूनी किनारा लगा, मुश्फिकुर रहीम को पैड से लग कर गेंद हवा में और एक आसान सा कैच नासिर के पास दे बैठे। उमेश ने बनाए 17, भारत की पारी सिमट गई 105 रन पर। तक्षीन अहमद के पास गेंद, बहुत ही खुश, डेब्यू मैच, 5 विकेट, अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश पहली जीत की ओर अग्रसर हो रही है धीरे धीरे। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग तस्कीन अहमद की, रॉबिन उत्तप्पा 14 रन बना के आउट हुए, रहा ने जल्दी आउट होकर दूसरे बॉल पे, पुजारा 11 रन पर और राइडू लेग बिफोर वापस निराशा, सुरेश रैना रन आउट हुए, काफी इंपॉर्टेंट विकेट था। और उसके बाद पिन्नी ने काफी जो निराशा किया यहाँ पर आज, और मिश्रा और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उमेश यादव का रहा, 105 ऑल आउट इंडियन टीम। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की, मुर्तजा ने 2 विकेट लिया 35 रन देकर, अल अमीन ने 1 विकेट 26 रन देकर, शाकिब ने लिया 1 विकेट 8 रन देकर, लेकिन हीरो रहे तक्षीन अहमद जिन्होंने 28 रन देकर 5 विकेट लिए 3.5 की इकोनॉमी से, बहुत ही किफायती और खतरनाक गेंदबाजी की, लंबे कद के गेंदबाज, और कितने खुश होंगे आज एक ऐसा प्रदर्शन किया आज उन्होंने। नमस्कार और फिर से एक बार आपका स्वागत है शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर से। बांग्लादेश बनाम भारत, टॉस जीता था बांग्लादेश ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, 105 पर भारत की पारी सिमट गई और अब देखना होगा भारत इसका मुकाबला कैसे करती है। पहली गेंद और अच्छी शुरुआत बांग्लादेश द्वारा, 4 रन से शुरुआत की, किरण क्या कहेंगे? काफी एग्रेसिव बैटिंग यहां पर, और कोशिश करेंगे पहले पावर प्ले का यूज करने का और दबाव डालने का कोशिश करेंगे। जबरदस्त शॉट और अच्छी शुरुआत बांग्लादेश के लिए, और पहला झटका, कदमों का प्रयोग किया था लेकिन बाहरी किनारा लगा और पहला झटका दिलाया मोहित शर्मा ने। कोई भी जरूरत नहीं थी, दूसरी ही गेंद थी बांग्लादेश की पारी की, पहली गेंद पर एक चौका जड़ चुके थे, उसके बाद ये शॉट खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और वो आउट हो गए 4 पर 1। ओवरपिच गेंद, सोच सही थी उमेश यादव की, लेकिन बहुत ही सही जवाब दिया, थोड़ी सी ओवरपिच गेंद थी और उसका पूरा फायदा लिया मिथुन ने। बहुत ही जबरदस्त शॉट, अच्छा टाइमिंग, अच्छी क्रिकेट, और इस बार दिशाहीन, लाइन और लेंथ से भटके और उसका खामियाजा भुगता, गलत लाइन यहां पर और अच्छा शॉट, तो कैच और ये झटका, दूसरा झटका दिलाया, गेंद ने थोड़ी सी उछाल ली थी, छेड़खानी की,
और अनामुल वापस पवेलियन की ओर। दर्शकों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, छेड़खानी की थी वहां पर और एक आसान सा कैच अजिंक्य रहाणा को दे दिया। दूसरा झटका लगा बांग्लादेश को। अनामुल शून्य पर आउट, बांग्लादेश 13 पर 2। मैच बहुत ही रोमांचक हो चुका है। इस बार छोटी गेंद, बाहरी किनारा, भाग्यशाली रहे 4 रन मिले वहां पर। और ये टॉप एज और 4 रन, ऐसी गलतियां करोगे तो आप मैच काफी जल्दी हार सकते हो। और लीजिए, बाल बाल बचे यहां। थोड़ा अधिक उछाल था और शायद वो जो उछाल था वो बल्लेबाज के हक में साबित हुआ, यहां फायदेमंद साबित हुआ उनके लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बाहरी किनारा लगा था लेकिन कोई भी मौका नहीं स्लिप फील्डर के पास इसे रोकने का। लेकिन फिर भी 4 रन बांग्लादेश के खाते में, मिथुन के खाते में 4 रन। सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और बड़ी शानदार तरीके से अपने पारी का अकाउंट खोला चौके के साथ। फिर से दिशा से भटके थे और उसका खामियाजा भुगता। और इसी बीच एक शानदार शॉट, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, जगह मिली थी और उसका पूरा फायदा उठाया मिथुन ने। आत्मविश्वास बढ़ता है बल्लेबाज का, तकनीक बढ़िया है, कोई जल्दी में नहीं थे ये स्ट्रोक खेलने के। और क्योंकि गेंद को अपने पास आने दिया, शरीर के बिल्कुल पास खेला, इसलिए वो गैप ढूंढने में कामयाब हुए। भारत को जरूरत है विकेटों की, गेंदबाजी में बदलाव। स्टुअर्ट भी नहीं आए हैं, 30 वर्षीय, इस मैच में उन्हें खिलाया गया है, उनके ऊपर काफी उम्मीद है। बढ़िया गेंद मेडन ओवर से की स्टुअर्ट बिनी ने अपने स्पेल की शुरुआत, 39 पे 2 10 के बाद। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, एक अच्छा शॉट मुशफिकुर रहीम के बल्ले से फ्लिक लगाया, 4 रन बटोरे, 43 पे पहुंच गया बांग्लादेश का स्कोर। मोहित शर्मा, थोड़ी सी दिशा में कमी रह गई। और ये आउट, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज स्टुअर्ट बिनी यहां पर, और एक सक्सेसफुल विकेट उनको मिली। अच्छी लाइन डाल रहे हैं और स्पेशली उनके जो आउट फिगर होती है, और अक्रॉस खेलने गए, टॉपेज हुआ विकेट कीपर के हाथ में। देखेंगे कितना कोने में गए, थोड़ा सा अंदर डालने का प्रयास किया, अधिक उछाल, बैट के कंधे पर गेंद लगा, सीधा आसान सा कैच रिद्धिमान साह के हाथ में, स्टुअर्ट बिनी को मिला उनका पहला विकेट आज का। मुशफिकुर रहीम कप्तान आउट, 11 रन बनाकर 44 पे 3 बांग्लादेश। बहुत ही अच्छा शॉट टू द पॉइंट एरिया, 4 रन के लिए वापिस यहां पर उमेश यादव बिखर गए और ये बांग्लादेश के 50 रन पूरे। मौका दिया बाजू को खोलने का, विथ दी शाकिब अल हसन को, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, उन्हें पता था कि अगर विथ है तो मौका है रन बनाने का। जोरदार तरीके से बल्ले को घुमाया और अपने लिए 4 रन बटोर लिए। और एक और विकेट, इस बार मिथुन अली, स्टुअर्ट बिनी को मिला इनका दूसरा विकेट इस ओवर इस मैच का। मिथुन अली आउट हुए डेब्यूटेंट, 26 रन बनाकर फ्लिक शॉट लगाया लेकिन सीधा खेल बैठे स्क्वायर लेग फील्डर के हाथ में। मिस टाइम हुआ, सीधा अक्षर पटेल के हाथ में। और एक बार फिर ये कोर आउट, 2 गेंदों पे 2 झटके, करारे झटके लगे। महमदुल्ला पहली ही गेंद पर आउट हुए, आगे का गेंद था, ड्राइव लगाने का प्रयास किया, अच्छा क्षेत्र रक्षण, 2 स्लिप 1 गली लगाई थी, गली के हाथ से गेंद जरूर छिटका लेकिन दूसरी बार पकड़ने में समर्थ रहे। 50 पे 5 बांग्लादेश और मैच में रोमांच। और ये कॉट बैंड की अपील और ये आउट, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग चेंज सुरेश राणा के द्वारा, बहुत अच्छी गेम।
काया पलट गई, ये तो भारी किनारा, बहुत ही आसान सा कैच रिद्धिमान साहा के लिए, बढ़िया गेंदबाजी, तीसरा विकेट मोहित शर्मा के खाते में और सबसे खतरनाक बांग्लादेशी बल्लेबाज पवेलियन की तरफ जाते हुए। एज और एक फिर कैच, क्या खूबसूरत डिलीवरी थी, ओ हो हो, क्या पूरी मायूसी छा गई स्टेडियम में, मैं क्या कहूं। जिस तरह से गेंद सीम पे गई टप्पा खाने के बाद, जिस तरह से उसने कोण बदला, 56 पे 8, चौथी विकेट स्टुअर्ट बिनी की। ये बोल्ड, एक और विकेट स्टुअर्ट बिनी के लिए, 5वीं विकेट, क्या कमाल की फतेह है, ये ड्रीम से भी आगे है कि 5 विकेट लेने, 4 रन देकर 58 पर 9। एक बार फिर देखिए इनर एज एंड बोल्ड, सत्ताईस गेंदों में मात्र 8 रन बने और 6 विकेटें गवा दी बांग्लादेश ने। अब तो इस पार्ट के हजीरीजिए हो गया इनका 6वां विकेट। स्टुअर्ट बिनी ने क्या जबरदस्त इस मैच में अपनी वापसी की है, 58 रन पे समेट दिया बांग्लादेश की।